आकांक्षा दुबे के मम्मी के पास पैसा नहीं है कि उसका शरीर को सब को जलाए, आपको पता है भीख मांग मांग कर, चंदा मांग मांग कर उसके सब को जला रही है। भोजपुरी के कलाकारों के पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं दे सकते उसको, सपोर्ट नहीं कर सकते, कहा नहीं कर सकते। काका जानते हैं जयराज सिंह पवन सिंह के साथ जब रिलेशन में थी, उसके बाद जब पवन सिंह छोड़ दिया, आपको पता है जयराज सिंह का प्रूफ है, सुनिए का प्रूफ है जयराज सिंह पवन सिंह के साथ रिलेशन में थी। अरे सुनिए कुछ पता नहीं है, लड़की का जिंदगी चला गया, पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट करने से होगा, उसके मम्मी के पास जाइए, उसको आप समझाइए भाई, उसको क्या चीज सहानुभूति की जरूरत है, आपसे रुपया मांग रही है, पैसा मांग रही है। आकांक्षा दुबे आपके घर की सदस्य होती, अगर आपके साथ मतलब इस तरह का घटना हो जाता तो आपके पास जितने भी कलाकार हैं, आप भी मतलब मीडिया से जुड़े हुए, लोग नहीं आएंगे, सिर्फ फोन से संतुलन से हो जाएगा, नहीं होगा। आपको कुछ पता नहीं है, सबसे पहले आपको पता नहीं है राकेश, बात पूरा होने दीजिए, लेकिन अब हम खेसारी लाल यादव को नहीं मानेंगे, खेसारी लाल यादव का विरोध करेंगे, क्योंकि जिस हीरोइन से वो कमाता है आने वाले भविष्य में उसके लिए कुछ नहीं सोचता है, बस काम किया, जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास में पानी पिए, डिस्पोजल अब फेंक दिए, वही काम है उसके साथ, कोई काम किए, मौज मस्ती किए, उसके बाद उसको जाने। खेसारी का राइटर फॉर्चूनर में चढ़ता है, फॉर्चूनर पता है अपने पैसे से कोई फॉर्चूनर पर चढ़े और कहे कि ये यहाँ का पैसा है। नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम लाल बाबू यादव है, आप बिहारी एक्सपोर्ट देख रहे हैं, हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही मशहूर राइटर गुड्डू गोल्डन यादव जी है, और आज हम बात करेंगे भोजपुरी में एक आकांक्षा दुबे का मौत हुआ है, जो इसको आत्महत्या कही या हत्या कही, हम इन्हीं से इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तब तक आप मेरे वीडियो में बने रहिए। कैसे हैं गुड्डू जी? बहुत बढ़िया, अभी टाइफाइड का बुखार लेकर जी रहे हैं, भगवान करो जी जल्दी आपका बुखार सही हो जाए। क्या कहिएगा, आकांक्षा दुबे का जो आत्महत्या हुआ है, अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई कलाकार उसके साथ में सपोर्ट में नहीं आए हैं, क्या कहिएगा? देखिए सबसे बड़ा चीज कि जब कोई भी लड़की अपना मॉडलिंग करने के लिए जब घर से निकलती है तो वो अपना सारा जो सपना होता है सपने को त्याग कर वो शादी के बारे में भी नहीं सोचती है, क्योंकि भोजपुरी में एक ऐसा मतलब प्रचलन सा है कि अगर जो लड़की शादीशुदा होती है उसको काम नहीं मिलता, आपको पता होगा, तो वो सबसे पहले तो अपनी वैवाहिक स्थिति को छोड़ देती है, वो भूल जाती है कि हमको शादी करना है कि नहीं करना है, बच्चा पैदा करना है, जीवन को सेटल करना है कि नहीं करना है, और ये सब भूल के जब वो लड़की जाती है तो कितना रुपया उसको मिलता है, 5,000 रुपया 6,000 रुपया पे वो मॉडलिंग का काम करती है, बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ, नॉर्मल कलाकारों के साथ काम करती है, और उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है, यहाँ तक कि गाने में कोई भी गाना जब हिट होता है मार्केट में, खेसारी का हो चाहे पवन सिंह का हो चाहे किसी का भी हो, नाम किसका होता है, जो मेन होता है उसी का नाम होता है कि खेसारी लाल यादव का गाना इतना मिलियन गया, कोई ये नहीं कहता कि आकांक्षा दुबे का गाना 200 मिलियन गया, कहता है नहीं कहता है, सुनिए आखिर ये शोषण क्यों किया जाता है इन लोगों के साथ। सुनिए सबसे पहले आप मेरा बात ध्यान से सुनिए, आपका कहना था कैमरा ऑफ, ये हम आकांक्षा दुबे पे बोलेंगे, भोजपुरी का कोई कलाकार अभी तक नहीं बोला, बिल्कुल इस पे बोलेंगे। देखिए इसमें जो सीक्रेट चीज है, सीक्रेट चीज यही है कि आखिर आकांक्षा दुबे का जब मृत्यु हुआ, उसका डेथ हो गया, चाहे जिस कारण से हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो आखिर ये जो जितने भी अपने आप को तथाकथित लोग हैं जो सुपरस्टार बोलते हैं, आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं, खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं, कौन नहीं बोला है आपके नजर में बताइए? अभी गुंजन सिंह जी बोले हैं, एक और दो कलाकार है उनका नाम हम मिस कर रहे हैं, उन लोग भी बोला, लेकिन खेसारी लाल यादव नहीं बोले हैं, खेसारी लाल यादव बोले नहीं बोले, पवन सिंह बोले नहीं बोले, नहीं बोले, कैसे पता है? पांडे बोले नहीं बोले, कैसे पता है? नहीं बोले, आप अब यूट्यूब पर दिखाइए मुझे, ये मेरा मोबाइल है ना, आप यूट्यूब पर दिखाइए, बोले नहीं, इसका मतलब ये नहीं है जो नहीं जानते हैं, नहीं तो फिर उनको बोलना चाहिए। भोजपुरी में लोग कहता है एकता, एकता लाएंगे, एकता हम आप लोग से बता दे, सुनिए पहले, सुनिए मेरा बात, सुनिए पहले बात, सुनिए ना पहले, ठीक है मेरा बात सुनिए, इनको कुछ पता नहीं है, ऐसे ही इनको कुछ पता नहीं है, खेसारी लाल यादव नहीं बोले हैं, अरे और आप मेरा स्क्रीन पर देखिए जो खेसारी लाल यादव पोस्ट किए हैं कि नहीं, सुनिए कुछ पता नहीं है, लड़की का जिंदगी चला गया, पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट करने से होगा, उसके मम्मी के पास जाइए, उसको आप समझाइए भाई, उसको क्या चीज सहानुभूति की जरूरत है, आपसे रुपया मांग रही है, पैसा मांग रही है, नहीं है, हो सकता है आकांक्षा दुबे के मम्मी के पास पैसा नहीं है कि उसका शरीर को सब को जलाए, आपको पता है भीख मांग मांग कर, चंदा मांग मांग कर उसके सब को जला रही है। भोजपुरी के कलाकारों के पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं दे सकते उसको, सपोर्ट नहीं कर सकते, कहा नहीं कर सकते, अरे कौन नहीं सपोर्ट किया, अक्षय सिंह जाकर मिली है, सुनिए अक्षय सिंह मिली है, लड़की जाकर मिली है, लड़की होने राकेश सिंह से कॉल की, राकेश पवन सिंह कॉल की, कॉल करने से नहीं होता, वहां पे जाइए, पहुंचिए और वहां का स्थिति देखिए, उसको
सांत्वना दीजिए कि हम आपके साथ हैं, खाली कॉल करने से हो जाएगा। आकांक्षा दुबे आपके घर की सदस्य होती, अगर आपके साथ मतलब इस तरह का घटना हो जाता तो आपके पास जितने भी कलाकार हैं आप भी मतलब मीडिया से जुड़े हुए, लोग नहीं आएंगे, सिर्फ फोन से सांत्वना से हो जाएगा, नहीं होगा भाई। ग्राउंड पे पहुंचिए, आप यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस चीज में, और ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करेंगे उसमें अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। वहां पे पहुंच के आप रुपया दीजिए नहीं दीजिए, रुपया का भूखा कोई नहीं होता है, पहुंच के उन लोगों को संतुष्टि दिलाइए कि हाँ हम आपके साथ हैं, उसको लगेगा, लोगों को भी दिखेगा कि हाँ इतना कर रहे हैं। आपको कुछ पता नहीं है, सबसे पहले आपको पता नहीं है, राकेश जो राकेश पांडे है वो जो गुंडा का रोल करते हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में, उनके अपना पूरा टीम के साथ जब तक आकांक्षा दुबे का अंतिम, देखिए सबसे बड़ा चीज, अगर भोजपुरी में मसीहा किसी को मानते हैं जो गरीबों का सबसे ज्यादा देखभाल करता है, तो खेसारी लाल यादव को मानते थे। बात पूरा होने दीजिए, लेकिन अब हम खेसारी लाल यादव को नहीं मानेंगे, खेसारी लाल यादव का विरोध करेंगे, क्योंकि जिस हीरोइन से वो कमाता है आने वाले भविष्य में उसके लिए कुछ नहीं सोचता है, बस काम किया, जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास में पानी पिए, डिस्पोजल अब फेंक दिया, वही काम है उसके साथ, कोई काम किए, मौज मस्ती किए, उसके बाद उसको जाने, खेसारी का राइडर फॉर्चूनर पर चढ़ता है, फॉर्चूनर को पता है अपने पैसे से कोई फॉर्चूनर पर चढ़े और कहे कि ये यहाँ का पैसा, ये अमनी सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में 5-7 साल से काम कर रही थी, कौन जानता था, लेकिन खेसारी के साथ आए आज का काम पूरा लोग जान रहे हैं। आपको ये चीज पता है, जो जिसके साथ सोता है ना, हम बिस्तर होता है ना, गलत गलत रिलेशन बनाता है ना, और ज्यादा मतलब उसके साथ अटैच में रहता है ना, वही लोग पॉपुलर होता है आज के समय। अक्षय सिंह का है पॉपुलर नहीं हुई, पूरा लोग जान रहे हैं। आपको ये चीज पता है, जो जिसके साथ सोता है ना, हम बिस्तर होता है ना, गलत गलत रिलेशन बनाता है ना, और ज्यादा मतलब उसके साथ अटैच में रहता है ना, वही लोग पॉपुलर होता है आज के समय। अक्षय सिंह का है पॉपुलर नहीं हुई, पॉपुलर होने के बाद आज क्यों गिर गई, कहाँ गिरी है, गिर गई है, आपको पता है, आपको नहीं पता है। उसके सारे गाने पे ऐड लगते हैं, सारे गामा हम भोजपुरी वाला सारे गाने पर ऐड लगाता है, ऐड लगाकर 2-2 मिलियन दिखाता है, लेकिन वहाँ कई व्यूज उसका 1-1.5 लाख लग जाता है, आपको मालूम है कितना पैसा खर्चा किया था स्टार्डम को दिखाने के लिए, ऐड लगा लगा के वीडियो पब्लिश किया जाता है कि दुनिया देखे कि भाई इतना इतना व्यू इस पे आ रहा है, हकीकत कुछ और है बाबू, आप समझिए इस चीज को, बहुत ज्यादा जानते हैं। अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ जब रिलेशन में थी, उसके बाद जब पवन सिंह छोड़ दिया, आपको पता है अक्षरा सिंह का प्रूफ है, सुनिए का प्रूफ है अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ रिलेशन में थी, अरे अक्षरा सिंह तो खुद ही कहती है, भाई आप इशारा समझिए ना उसका, वो तो खुद पवन सिंह का नाम नहीं सुनना चाहती, कोई किसी का नाम क्यों नहीं सुनना चाहता, आज हम लाल बाबू जी के साथ काम कर रहे हैं और कल इन्हीं का नाम नहीं सुनना चाहता, क्या दिक्कत है भाई, कुछ ना कुछ अंदर का मतभेद। अच्छा इनका जो सुसाइड का मामला चल रहा है, क्या सुसाइड हुआ है, ये खुद सुसाइड किया, आत्महत्या किया, कौन किया हत्या, कौन हत्या किया आपके नजर में, आप पहले बताइए ना, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपको सारा चीज का जानकारी होना चाहिए, आप पहले हमको बताइए कि जो ये सुसाइड हुआ है, ये सुसाइड है या मारा गया है, आखिर कौन किया है ये। देखिए मेरा कहना है, अगर आकांक्षा दुबे आत्महत्या भी की है, चाहे हत्या किसी ने कराया है, इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है कि वहां किसी ने हत्या ही कराया है, लेकिन उस अगर लड़की आत्महत्या भी की है तो किसी ना किसी का हाथ है, किसी ना किसी के दबाव में आकर वो आत्महत्या की है। इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर 1.5 महीना पहले से जाकर आज तक का रील देख लीजिए, आज तक नहीं मतलब उनके मरने से पहले तक का रील देख लीजिएगा, कितना सैड, जो हीरोइन लोगों को समझाती थी कि प्यार वार में मत पड़ो, ये सब बेकार चीज है, और कोई भी आदमी अगर आप प्यार में पड़े हो, आपको टॉर्चर करता है, तो आप पुलिस में जाके कंप्लेन करो, ये सब वीडियो उनका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और सोशल मीडिया पर कहीं भी मिल जाएगा। वो लड़की आखिर मजबूर क्यों हो गई ऐसा करने के लिए, जो दुनिया को बताती थी कि गलत मत करो, अगर आपको कोई गलत करता है तब उसका विरोध करो, आखिर वो क्यों मजबूर हो गई गलत करने के लिए। इसमें नाम आ रहा है सुपरस्टार तथाकथित जो खुद को बोलते हैं धरावेला थरेसर राजा बढ़ेला टेम्परेचर गाना के सुपरस्टार हैं, वो क्या नाम है उनका, समर सिंह, समर सिंह का नाम आ रहा है। एक दिन ऐसा था कि समर सिंह 100 गुंडों को लेकर खेसारी को मारने गए थे, वो दिन आज दोहरा दिया गया फिर से भोजपुरी में कि समर सिंह का नाम जोड़ दिया गया आकांक्षा दुबे के साथ, आकांक्षा दुबे का मर्डर कराया है। अच्छा एक बात बताइए, समर सिंह रियल में गुंडा है क्या? हमें तो इस चीज को हम पर्दा पे नहीं बोलेंगे कि समर सिंह गुंडा है कि नहीं है, हम इस लाइव शो में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अंदर से अगर दिल की बात करें तो हमको ऐसा ही लगता है। इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि एक दिन ऐसा था कि जब अखिलेश कश्यप लाइव आके खुद बोल रहे थे कि समर सिंह खेसारी को मारने के लिए सब आदमी को लेकर जब जा सकता है खेसारी को मारने के लिए, खेसारी जैसे हस्ती को मारने के लिए, आकांक्षा दुबे क्या चीज है उसके लिए, उसका भी मर्डर का है, और यहाँ तो खुल गया है कि बॉयफ्रेंड है उसका, उसका बॉयफ्रेंड था आकांक्षा दुबे का, उसकी मम्मी खुद बोल रही है, मेरा बयान नहीं है, उसकी मम्मी खुद बोल रही है कि समर सिंह 3 साल से उनके बेटी को ट्रोल कर रहा है,
लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि 3 साल से माता जी आप कहाँ थे, 3 साल से आप एक बार भी पुलिस कंप्लेंट की है नहीं किया है, जिसका सजा आज आपके बेटी को मिल गया। तो अगर किसी के साथ गलत होता है उसी टाइम आवाज उठाइए, गलत कोई भी आपके साथ करता है आवाज नहीं उठाइएगा तो कल आपका यही दिन देखना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं इस चीज को बोलिए। खेसारी लाल यादव का बोले ना छक्का, आज से मैं छक्का मान लिया खेसारी लाल यादव को। खेसारी लाल यादव सिर्फ नाम के खेसारी है, अगर उनके अंदर अगर इतनी काबिलियत है ना तो जाके आकांक्षा दुबे के घर पे उनके मम्मी से मिले, उनके परिवार वालों से मिले, उनको सांत्वना दे और उन जितनी राशि उनसे। एक मिनट एक मिनट, अभी ना बोले ये खेसारी लाल यादव छक्का है, कभी गए हैं क्या उनसे उनके पास? बिल्कुल गए हैं खेसारी, बिल्कुल गए हैं खेसारी लाल यादव के पास। हुआ आप जैसे लोगों के क्या हुआ? हम क्या हुआ गए हुआ? सुनिए पहले हम बात बता रहे हैं, हम खेसारी लाल यादव के पास नहीं गए हैं, आप गए हैं खेसारी लाल यादव के पास कि आप कह रहे हैं कि नहीं वो खेसारी लाल यादव छक्का नहीं है। अगर छक्का है तो फिर उसका कृति और ये सब कहां से आया? ठीक है सुनिए, हाँ। आप बोल रहे हैं कि कृति प्रमाण है जो मर है, कृति और ऋषभ सिर्फ बाल बच्चा हो जाने से प्रमाण नहीं होता है कि हाँ। नहीं वो छक्का जानते हैं किसको बोला जाता है? मालूम है आपको, जिसके पास बाल बच्चा है ना वो भी छक्का होता है। किस तरीके से? देखिए इंसान छक्का इस प्रकार से होता है, हमारे भोजपुरी में लोग ऐसा साले छक्के हुआ का तू साले हिजड़ा हो गया चाहे मऊगा हो गया, तो छक्का और मऊगा हिजड़ा तीनों एक ही शब्द है। और हिजड़ा उसको कहा जाता है जो जवान देकर अपने जवान से मुकर जाए। खेसारी लाल यादव खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं, हर एक जगह पे जाकर सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस माँ का दुख दर्द उनको क्यों नहीं दिख रहा है, इसलिए वो छक्का है। ये नहीं कि नहीं उनके पास लिंग नहीं है इसलिए छक्का है, उनका बाल बच्चा नहीं है इसलिए छक्का है। पवन सिंह छक्का है, पवन सिंह को छक्का बोला जाता है। कौन बोलता है छक्का? हम तो नहीं बोलते हैं। अरे पवन सिंह को सारी आपका वीडियो में दिखा देंगे, पवन सिंह को बोलते हैं कि छक्का तब तू है। पवन सिंह कब छक्का बोले आप बताइए? पवन सिंह तीन तीन को भी याद किया, अब तीनों भी भाग गए, ये प्रमाण नहीं है। देखिए ये मीडिया वाले हैं, मीडिया वाला ऐसे बतियाता है। अभी मनीष कश्यप का क्या हुआ आप लोगों को पता है ना, इनका भी यही हाल होगा हमको पता है। देखिए सबसे बड़ा चीज मीडिया वाले हैं, थोड़ा शांति से बात करते हैं। आप जब गर्म हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहता है, मुस्कान ला के बात करते हैं। आप कैसे बात कर रहे हैं? बात करने का तरीका है आपको।